नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुख करते हैं खबर की ओर। गृह कलह के चलते पति पत्नी ने खाया जहरीला पदार्थ, पत्नी के इलाज के दौरान मौत, पति की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां घरेलू कलह के चलते पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जैसे ही जहर खाने की सूचना परिजनों को मिली, वह आनन फानन में दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पत्नी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पति की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने पति को कानपुर हेलेट रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पति की हालत गंभीर बनी हुई। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के डिग्गी मोहल्ले का है, जहाँ पति पत्नी के बीच खाना खाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जैसे ही जहर खाने की जानकारी परिजनों को हुई, तो परिजन दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान कई पत्नी कुसुम 26 वर्ष की सांसें थम गई। वहीं पति को गंभीर हालत में कानपुर हेलेट रेफर कर दिया गया, जहाँ पति दीपू 30 वर्ष जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहा। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी रखवा। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ, क्या मार पीट किस तरीके की? अरे वो अकट जाए रस खाए रहा है और अखा मार बहुत पीठी करी जा रहा है। किन लोगों ने मार पीट की आपकी बेटी? दमान की इन्हें, ससुर चा की इन्होंने, जो कुछ की इन्होंने, चा सास की इन्होंने, जो को की मार पीट मारे रहा है, मारी मो बेटिया। आपको किसने जानकारी दी घटना के बारे में, कैसे पता चला आपको? हमका घटना चला दूसर दूसर फोन की नहीं, इनके घर के नहीं की ना। हमका एक बजे हमका फोन मिला, तब वहाँ से तुरंत चल भाए। इससे पहले भी कभी बेटी ने आपको बताया कि मारपीट की जाती रही है, कोई घटना हुई? डेली जब फोन करत रही तो वह कहता सुख नहीं बताया सर, वह 10 रुपये के माखा मारत है और वहाँ माखा कहा कि फलाना है ढेकाना है, खाना नहीं बनाती है या नहीं करती, वह काम करा था सब को सराहना मोरी बेटिया का कर रखा है, डेली वहाँ हमारा क्या नाम माता जी? हमार पनबीरिया। कितने साल हो गए थे आपकी बेटी के साथ? 3 साल। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।